सो सभी का वेलकम है ऑडेसिटी गैन के एक नए एपिसोड में। सभी सॉन्ग्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार सारे सॉन्ग जरूर चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, बिकॉज दिस चैनल पे आपको ओरिजिनल सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग्स, कवर सॉन्ग्स, डांस कवर्स, ऑडेसिटी ट्यूटोरियल एंड म्यूजिक रिलेटेड वीडियोज मिलते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में हार्मनी इफेक्ट को लगाएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ऑडेसिटी गैन के पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि कैसे हम पिच को चेंज करें या स्केल को चेंज करें या फिर ट्रांसपोज करें। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जरूर चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम हार्मनी इफेक्ट को लगा सकते हैं। तो वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये हार्मनी होता क्या है। अगर अपन म्यूजिक थ्योरी के हिसाब से बोलें तो व्हेन मोर देन टू नोट्स आर प्लेड टुगेदर इन डिफरेंट पिचेस दैट इज कॉल्ड अ हार्मनी एंड दैट मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट। तो ये भी मैंने क्या बोला, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो हार्मनी का मतलब होता है जब हम दो से ज़्यादा नोट्स या फिर दो से ज़्यादा वॉइसेस या दो से ज़्यादा आवाज़ हम एक साथ साउंड करते हैं डिफरेंट पिचेज में, उसे हम हार्मनी कहते हैं। ठीक है, जब दो से ज़्यादा वोकल्स हम एक साथ मिक्स करते हैं डिफरेंट पिचेज में, उसे हम हार्मनी कहते हैं। हार्मनी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है सुनने में। ये कई सारे सॉन्ग्स में यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप और अच्छे समझ पाओ। तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में हार्मनी इफेक्ट यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपने अगर हनी सिंह के सॉन्ग सुने हैं, पुराने सॉन्ग जो स्टार्टिंग में बनाते थे, तो उसमें मोस्टली वो हार्मनी इफेक्ट का यूज़ करते थे। आपने उनकी वॉइस सुनी होगी, जो उनकी अलग से वॉइस आती है वो हार्मनी इफेक्ट के कारण आती है। ठीक है, दूसरे किसी आर्टिस्ट का नाम बताऊं तो मैं नीरज श्रीधर आपने सुना होगा, उनके सॉन्ग सुने होंगे आपने, तो वो भी हार्मनी इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने अपने सॉन्ग में हार्मनी इफेक्ट को यूज़ करते हैं बिकॉज ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी मेरे कई सारे सॉन्ग में इस इफेक्ट को यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें ज्ञान मैंने आपको बहुत बांट दिया है, अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है। अब सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ आखिर ये हार्मनी इफेक्ट होता क्या, एक बार आप सुन लीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूर दूर से घूर घूर के हो रही है शाय, तेरे मन में चल रहा आई नो आई एम द गाय, तुझे देख तेरी आंखों की मस्ती में यूं ही खो जाता हूं, ड्रीम्स में तू आएगी बस सोच के यही सो जाता हूं। तो जैसा कि आपने सुना इसे हम हार्मनी इफेक्ट कहते हैं। आपने सुना होगा कि सिर्फ एक वॉइस नहीं आ रही, सिर्फ एक वोकल्स आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल वोकल्स सुनाई दे रहे हैं जिससे कि बहुत ही अच्छा हमारा इफेक्ट आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये मेरा न्यू कवर सॉन्ग है भोली सी सूरत रैप वर्जन। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो उसको ज़रूर चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो मेरा लेटेस्ट कवर सॉन्ग है, इसे एक बार ज़रूर चेक करना, उस पर अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो मैंने आपको सुनाया हार्मनी इफेक्ट ये कैसा हमें साउंड करता है। एक बार मैं आपको विदाउट हार्मनी भी सुना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर विदाउट हार्मनी ये कैसा साउंड कर रहा है। एक बार इसको सोलो सुन लेते हैं हम। दूर दूर से घूर घूर के हो रही है शाय, तेरे मन में चल रहा आई नो आई एम द गाय, तुझे देख तेरी आंखों की मस्ती में यूं ही खो जाता हूं, ड्रीम्स में तू आएगी बस सोच के यही सो जाता हूं। ऑल राइट, तो जैसा कि आपने सुना ये हमारा सोलो वोकल्स थे जो कि मैंने आपको सुनाया, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि इस इफेक्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि इसे हमें अप्लाई कैसे करना है। अगर वीडियो आपको हेल्प करे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे वोकल्स हैं जिनमें हमें हार्मनी इफेक्ट को लगाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे नॉर्मली। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट किया हमने इसको, फिर इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक है, हमें टोटल दो डुप्लीकेट बनाने हैं। ऑल राइट, जहाँ पर मैंने इसके दो डुप्लीकेट बना दिए जो कि आपको सबसे नीचे दिख जाएंगे। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, इसमें बहुत सारे ट्रैक्स हैं सॉन्ग में, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं सबसे नीचे आ गया हूँ तो अब आपको ये दो ट्रैक्स भी फोकस करना है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमें बेसिकली क्या करना है, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारे जिस पार्ट में हमें हार्मनी इफेक्ट लगाना है उसके हमें दो डुप्लीकेट्स बनाने, यानी टोटल कितने ट्रैक्स हो जाएंगे, टोटल कंप्लीट तीन ट्रैक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक ओरिजिनल और दो डुप्लीकेट। ऑल राइट, मैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ट्रैक है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। राइट, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको चेंज पिच करके इफेक्ट दिख रहा होगा, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, इस पर पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल था इस इफेक्ट के ऊपर, वो आपने नहीं देखा तो ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा।
पे हम क्लिक करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब इस ट्रैक को हम थोड़ा सा हाई पिच पे ले जाने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पिच में नहीं, थोड़ा सा हाई पिच में ले जाने वाले हैं हम इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको परसेंटेज चेंज को प्लस में ले जाके इसको हम समवेयर अराउंड 4 या 5 कर देंगे, ठीक है। 4 या 5 अपने हिसाब से देख सकते हो क्या टाइप के वोकल्स हैं आपके, कर दिया है। सो प्लस 5 हम करेंगे तो इससे कि हाई पिच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली अब ओके पे क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पैन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट राइट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको हमें पैन करके राइट में ले जाना है, टोटल राइट। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ से आपको इसको पैन करके टोटल राइट में ले जाना है, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वॉल्यूम है उसको हम थोड़ा कम कर देंगे, -10, -11 समथिंग कुछ कर देंगे। ऑल राइट, सो आई गेस कि -10 सही रहेगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, सो -10 मैंने कर दिया है। अब हमारे सेकेंड डुप्लीकेट ट्रैक पे आएंगे, अब हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। अब हम चेंज पिच इफेक्ट में फिर से जाएंगे और चेंज पिच इफेक्ट को ही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लो पिच में ले जाएंगे इस वाले ट्रैक को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको माइनस में ले जाके समवेयर अराउंड, हाँ, -5 हम कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम माइनस में ले जाएंगे एंड हम सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। ऑल राइट, यहाँ पे हमने ओके पे क्लिक कर दिया है तो इसकी पिच भी हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पैनिंग में और इस वाले को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस नॉब को टोटल लेफ्ट में ले जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला राइट में कर दिया, नीचे वाला लेफ्ट में कर दिया। अब हम फिर से इसकी वॉल्यूम को वैसे ही कम कर देंगे, सेम बिल्कुल हमने -10 किया था तो इसको भी हम -10 कर देंगे। ऑल राइट, सो दैट्स इट गाइज, हमारा हार्मनी इफेक्ट एकदम रेडी है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि कैसे साउंड करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए ये बात आपको बाद में बताऊंगा, मैं पहले आप खुद ही लाइक करोगे, पर मैं आपको पहले एक बार सुना देता हूँ कि हमारा इफेक्ट कैसा लग रहा है साउंड करने में। ऑल राइट, सो अब हम सुनने वाले हैं हमारा हार्मनी इफेक्ट। दूर दूर से घूर घूर क्यों हो रही है शाय, तेरे मन में चल रहा आई नो आई एम द गाय, तुझे देख तेरी आंखों की मस्ती में यूं ही खो जाता हूँ, ड्रीम्स में तू आएगी बस सोच के यही सो जाता हूँ, जुल्फे बिखरी नजरे तिरछी कॉम्बिनेशन किल करे, रात दिन बस तुझसे मिलने का ही मेरा दिल करे। ऑल राइट, तो आपने जैसा कि सुना कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है हमारे वोकल सुनने में, हार्मनी इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारे सॉन्ग में। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली हार्मनी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, अगर इस वीडियो ने आप हेल्प किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड ऑडेसिटी गैन के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम रैप वोकल्स एडिटिंग करें, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आएगा कैसे हमारे जो रैप वोकल्स हैं इनको प्रॉपरली प्रोफेशनली हम उनको एडिट करें। तो वो वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। ऑल राइट, तो मैंने आपको बताया हार्मनी इफेक्ट के लिए, मैं आपको बता दूं आप इसको किसी भी जब भी आपको किसी भी सॉन्ग के पार्ट में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सॉन्ग को अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा और मेलेडियस बनाना है, तो इस हार्मनी इफेक्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, कई सारे आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं, हनी सिंह, नीरज श्रीधर एंड बहुत सारे आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं, आप भी इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये एकदम प्रोफेशनल तरीका नहीं है वैसे हार्मनी लगाने का, मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में। जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या होता है प्रॉपरली रियाज किया जाता है, अलग अलग पिचेस में अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है। बट वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा टफ रहता है, एंड वो वही लोग कर सकते हैं जो कि ट्रेंड है, जो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो वो एक अलग तरीका होता है, बट स्टिल मैंने आपको एक थोड़ा इजी तरीका बताया, एक थोड़ा सिंपल तरीका बताया, जिससे कि आप अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो स्टिल आप ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इस इफेक्ट को यूज़ कर पाओ। तो गाइज, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, अगर आपको लगा हो कि हाँ मैंने आपको हेल्प करी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, मेरे सारे सॉन्ग्स चेक करो एंड सारे सॉन्ग को शेयर करो, ठीक है। मैं आपसे ये कहूँगा, लाइक कमेंट वगैरह नहीं कहूँगा, मैं शेयर करो सॉन्ग्स को, लोगों तक पहुँचाओ सॉन्ग को। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ भी आपको बहुत यूज़फुल कॉन्टेंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।